हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो केसिंग फंटी की वायरिंग होती है उसका प्राइस कैसे लेते हैं, यानी कि पॉइंट के हिसाब से कैसे लेते हैं, रनिंग फिट के हिसाब से कैसे लेते हैं और स्क्वायर फिट के हिसाब से कैसे लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही कम्प्लीट जानकारी देने वाले हैं और इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट और सवाल नहीं बचेगा कि किस तरह से हम केसिंग फंटी वायरिंग में पैसे लेते हैं, पॉइंट के हिसाब से कितने रुपये पॉइंट चलता है या स्क्वायर फिट के हिसाब से किस तरह से पैसे लिए जाते हैं। तो सारे टॉपिक की जानकारी इसी वीडियो में दी गई है। अगर दोस्तों वीडियो में आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को कीजिए प्रेस ताकि आपको मिले हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि जो हमारे चैनल पर 97% जो ऑडियंस है तो दोस्तों वो अनसब्सक्राइब है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, सब्सक्राइब करना फ्री है दोस्तों, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि केसिंग फंटी में हम किस तरह से पॉइंट लेते हैं। वाले हैं जो केसिंग फंटी की जो वायरिंग होती है उसमें हम पॉइंट के हिसाब से कैसे पैसे लेते हैं, स्क्वायर फिट के हिसाब से कैसे पैसे लेते हैं या फिर रनिंग फिट के हिसाब से कैसे पैसे लेते हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे केसिंग फंटी की वायरिंग करने के लिए, तो दोस्तों केसिंग फंटी का वायरिंग का मजबूती दो तरह से होता है। पहला मजबूती होता है दोस्तों जो चाइनीज कील आती है, यानी कि केसिंग फंटी की जो क्लिप आती है, जो बीट क्लिप को हम बॉल पर माउंट करते हैं, जो क्लिप आती है उससे हम दोस्तों करते हैं तो उसका मजबूती तो हो जाता है दोस्तों, पर वह मजबूती इतना नहीं होता है। अगर दोस्तों किसी कारण बस हम चाइनीज कील को ज़्यादा मार देंगे दीवार में माउंट करने के लिए तो दोस्तों यह मजबूत तो हो जाएगा, और किसी कंडीशन में पार्टी का डिमांड का चेंज हो जाता है, जैसे कि पार्टी बोलती है हमको ये फंटी यहाँ पे नहीं चाहिए, पॉइंट यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ से उखाड़ के हमें दूसरी जगह लगाना है, तो उस फंटी को हम रीयूज नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों जब भी हम उसको उखाड़ेंगे तो वो हमारा डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दोस्तों दूसरी तरह का केसिंग बीट का मजबूती होता है कि हमको प्रॉपर ड्रिल करना है और उसमें हमें गुल्ली फासने लगा के प्रॉपर बारसर लगा के उसमें पेच टाइट करेंगे दोस्तों, यह हमारा रीयूज हो सकता है, क्योंकि इसमें हम 5 से 6 इसको होल करके लगाते हैं और इसको जब हम रीयूज करना चाहते हैं तो आराम से हम खोल सकते हैं और हमारा फंटी डैमेज नहीं होता है। तो इस तरह से दोस्तों वायरिंग होती है। अब दोस्तों इसके चार्ज की बात की जाए तो जो दोस्तों वीट क्लिप को हम बॉल पे माउंट करते हैं जिस तरह से हम कर रहे हैं, इस तरह से हम माउंट करते हैं और इसमें कोई भी गुल्ली फासनर या पेच नहीं लगाएंगे तो इसका चार्ज थोड़ा कम होता है। यदि दोस्तों हम इसमें गुल्ली फासनर और बारसेल लगा के इसमें पेच टाइट करेंगे तो इसका चार्ज कुछ ज़्यादा होता है। तो बात की जाए दोस्तों इसके चार्ज की, तो दोस्तों जनरली रनिंग फिट पे काम नहीं होता है, ना ही दोस्तों इसका स्क्वायर फिट के हिसाब से काम होता है। जनरली ज़्यादातर आपने देखा होगा तो कुछ जगहों पे रनिंग फिट के हिसाब से काम होता है और कुछ जगहों पे इसका स्क्वायर फिट के हिसाब से काम होता है, बट हमारे यहाँ जो काम होता है वह पॉइंट के हिसाब से होता है। और इसके पॉइंट का प्राइस दोस्तों 50 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से होता है। वो तो डिपेंड करता है कि मजबूती किस प्रकार से हो रही है। अगर दोस्तों हम बीट क्लिप से ही इसको माउंट कर रहे हैं तो इसका 50 रुपये पर पॉइंट होता है। अगर दोस्तों इसमें हम बारसल लगा के प्रॉपर चाइनीज कील लगा के इसको प्रॉपर टाइट कर रहे हैं ड्रिल करके तो दोस्तों इसका वहीं पे चार्ज 70 से 80 रुपये पर पॉइंट हो जाता है। और दोस्तों आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है ये तो आप ही को पता होगा, और दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहे हैं प्रॉपर केसिंग बीट वायरिंग के। तो चलिए दोस्तों ये जानकारी हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दोस्तों, जैसे जनरली कहीं पे काम होता है ठेके के हिसाब से, जो ठेकेदार लोग होते हैं जहाँ पे हमें काम करना होता है, जो वायरिंग कुछ दिनों के लिए ही रहना होता है, यानी कि वो प्रॉपर वायरिंग नहीं रहना है, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ते में काम कर लिया जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि किसी तरह से कर दीजिए काम, हमारा लाइन चालू हो जाना चाहिए। और वहाँ पर दोस्तों जैसे कि बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं कुछ दिनों के लिए ही वायरिंग कराते हैं, तो उस हिसाब से दोस्तों रेट का भी प्लान होता है। यदि किसी घर में दोस्तों आप प्रॉपर वायरिंग कर रहे हैं, यानी कि गुल्ली फेस फासनर लगा के और प्रॉपर बासर के हिसाब से कर रहे हैं तो वहीं ये पॉइंट के हिसाब से 70 से 80 रुपये पर पॉइंट हो जाता है। अब दोस्तों बात की जाए रनिंग फिट के हिसाब से, तो रनिंग फिट के हिसाब से हम कैसे वायरिंग को करते हैं, यानी कि हमारी जो एक बीट क्लिप बीट केसिंग यानी कि केसिंग फंटी होती है वह हमारी अराउंड 6 फिट के आसपास होती है, यानी कि 6 फिट के आसपास होती है, तो वहीं हमको रनिंग फिट यानी कि 6 फिट हम बॉल पर इसको माउंट करेंगे तो वह प्राइस हमारा 40 से 50 रुपये पर फीट के हिसाब से ही हमारा ये वायरिंग होता है। तो उसी हिसाब से दोस्तों अब इसमें आपको पॉइंट गिनने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपको पॉइंट गिनने का नहीं आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो बेहतर तरीका से समझ में आएगा कि पॉइंट को हम कैसे गिनते हैं और पॉइंट के हिसाब से पैसे किस तरह से लिए जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं,
और जानते हैं रनिंग फिट के बारे में थोड़ा और विस्तार से। तो रनिंग फिट का मतलब दोस्तों यही है कि जितना आपने काम किया है उतने ही पैसे आपको लेने हैं, यानी कि जहाँ तक आप काम करेंगे रनिंग फिट के हिसाब से उसी हिसाब से आपको फंटी को नाप लेना है। जैसे कि आपने बॉल पे माउंट की फंटी को 10 फिट माउंट कर दिया और आपने 50 रुपये पर फिट के हिसाब से आपने काम लिया है, तो 10 × 50 इस तरह से आपको पैसे ले लेना है। यानी कि इसमें आपको कितना पॉइंट होना होगा, कितने भी LED लाइट का पॉइंट है, पावर प्लग है, वो सब उसी में इंक्लूड रहता है रनिंग फिट में। अगर दोस्तों पॉइंट के हिसाब से आप काम कर रहे हैं तो रनिंग फिट की तरह काम नहीं होता है, जितना आप पॉइंट करेंगे वहाँ पे उतने ही पॉइंट का पैसा लिया जाएगा। जैसे कि एक स्विच बोर्ड में हमारे 10 स्विच आ गए तो हमारे 10 पॉइंट हो गए और 50 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से हमने काम किया है, तो उसी हिसाब से आपको वायरिंग का पैसा भी लेना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको समझ में आ रहा है, और दोस्तों इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से भी एक वीडियो बन लाएंगे इसके बाद हम कि किस तरह से हम वायर के बंडल्स को खोलते हैं जिससे हमारा वायर उलझे नहीं या हमारा वायर सुलझाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं या खींचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसके बाद दोस्तों हम पूरा एक वीडियो इस पर भी लाएंगे, बहुत ज़्यादा हमारी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर विद मटेरियल हमें किस तरह से काम को लेना चाहिए, हमें कितने रुपये में कौन सा काम लेना चाहिए विद मटेरियल, तो इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि रनिंग फिट में क्या अंतर होता है और स्क्वायर फिट में क्या अंतर होता है। अब दोस्तों बात कर लें हम स्क्वायर फिट की। तो दोस्तों स्क्वायर फिट हमारा, जैसे कि हमारा एक 10x10 का रूम है और उसमें हमने जैसे कि 50 रुपये पर स्क्वायर फिट लिया है या 20 रुपये स्क्वायर फिट लिया है, जो भी आपके यहाँ रेट चल रहा है हम रैंडम रेट आपको बता रहे हैं, हम प्रॉपर नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या रेट चल रहा है या आपके यहाँ क्या रेट है। जैसे हमारा कोई रूम है 10x10 का, यानी कि वहाँ पर हो गया 100 स्क्वायर फिट, तो 100 स्क्वायर फिट का आप जैसे कि 20 रुपये स्क्वायर फिट लिए हैं तो 100 × 20 कर देना है आपको, तो इस एक रूम का हमारा 2000 रुपया हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों स्क्वायर फिट में काम होता है, पर जनरली देखा जाए तो पॉइंट के हिसाब से और रनिंग फिट पे ही काम होता है केसिंग बिट वायरिंग का, स्क्वायर फिट पर बहुत ही कम काम होता है। तो दोस्तों मैं तो गुजारिश करूँगा कि आप रनिंग फिट पर काम लें या फिर पॉइंट के हिसाब से काम लें, तो आपको दोस्तों पॉइंट के हिसाब से ही फ़ायदा रहेगा, क्योंकि रनिंग फिट में सिर्फ हमारा फंटी को नापा जाता है ना कि पॉइंट गिना जाता है। यदि हम किसी ग्राहक के यहाँ रनिंग फिट पर काम कर रहे हैं और उसने बोला कि हमें जगह जगह पर यानी कि बहुत ज़्यादा पॉइंट उसने लगवा लिए हैं, तो दोस्तों हमारा जो फंटी पर जो हम काम करते हैं तो हमारा सारा टाइम तो वेस्ट होता ही है उस पर काम करने में। तो आप रनिंग फिट पे ना लेके पॉइंट के हिसाब से ही लें, क्योंकि दोस्तों पॉइंट के हिसाब से ही फ़ायदा होता है। और दोस्तों काम लेने से पहले पहले ही पार्टी से डिमांड कर लेनी चाहिए, यानी कि पहले ही तय कर लेना चाहिए कि हमको इतने रुपये में ये काम चाहिए, क्योंकि दोस्तों गाँव में या फिर सिटी में काम तो करा लेते हैं लोग, बस पैसे देने में बाद में आनाकानी करते हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों आपको पहले ही आपको तय कर लेना है। और दोस्तों बड़ी बड़ी जैसे बिल्डिंग में काम करते हैं यानी कि बड़ी बड़ी साइटों में काम होते हैं, तो वहाँ पे पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है कि हमारा इतने में पैसे हुए, तो बाद में कोई झंझट नहीं रहता है। तो आपको पॉइंट के हिसाब से काम लेना चाहिए या रनिंग फिट के हिसाब से लेना चाहिए, तो रनिंग फिट के हिसाब से थोड़ा घाटा आ जाता है, यानी कि पॉइंट के हिसाब से कोई भी घाटा नहीं आता है, और स्क्वायर फिट के हिसाब से तो घाटा आना ही है। तो स्क्वायर फिट का काम अंडरग्राउंड वायरिंग में लिया जाता है और पॉइंट का और रनिंग फिट पे काम सिर्फ अंडरग्राउंड में ही सही लगता है, यानी कि केसिंग बिट वायरिंग में हमको रनिंग फिट पे काम करना चाहिए या फिर पॉइंट के हिसाब से। रनिंग फिट पे उतना काम नहीं होता है जितना पॉइंट के हिसाब से होता है। तो पॉइंट हमारे यहाँ पे 70 रुपये से 50 रुपये पॉइंट होता है, वो डिपेंड करता है कि केसिंग बिट का मजबूती किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको समझ में आई है, और वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी यूनिक से टॉपिक के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स आपका दिन शुभ हो, बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी यूनिक से टॉपिक के साथ।